हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकल के आई हुई है, उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है, इस सेक्शन पे चले आना है, देन ऑल न्यूज़ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए। करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर परमानेंट टीचिंग पोस्ट इन द कॉलेज। आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए। करने के बाद में नंबर टू पे देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर टीचिंग पोस्ट 2022। डाउनलोड करने के लिए आप सभी को इस डाउनलोड फाइल का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका जो पीडीएफ है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 2022। नेक्स्ट यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ओके, नेक्स्ट सैलरी में आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी यहाँ पे दिया गया है, पेलेबल रहेगा 10.7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट मैं आप सभी को लास्ट डेट बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 22/07/2022, यानी कि 22 जुलाई 2022 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कितनी वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, सीरियल नंबर दिया गया, देन डिपार्टमेंट, देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड कर दिया गया है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन किया गया है। ओके, नंबर वन पे देख सकते हैं, कॉमर्स के लिए टोटल 24, देन कंप्यूटर साइंस के लिए 2, देन इकोनॉमिक्स में है 7, देन इंग्लिश में है 5, देन जर्नलिज्म में है 5, देन हिंदी में है 4, देन हिस्ट्री में है 2, देन मैथमेटिक्स में है 2, देन पॉलिटिकल साइंस में है 9 एंड इन्वायरमेंट स्टडीज में है 2। ओके, आप सभी वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी कितना लगेगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, फी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ₹500 फॉर UR एंड OBC एंड EWS कैटेगरी। ओके, अनरिजर्व OBC EWS के लिए रहेगा ₹500 एप्लीकेशन फी। और यहाँ पे देख सकते हैं, SC ST PWBD कैटेगरी एंड वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के बाद में वो रिफंड नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड। आप सभी को सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फी जो है वो आप सभी को ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी एक से ज़्यादा पोस्ट या फिर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सभी को सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेपरेट एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आप सभी को इंटरव्यू में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट्स कैरी करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा आप सभी को जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का 1 सेट सेल्फ एटेस्टेड फोटोकॉपीज भी कैरी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमें देख सकते हैं, अगर आप सभी कहीं पे जॉब करते हो तो आप सभी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC भी कैरी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमें देख सकते हैं, इंटरव्यू लेटर या फिर कोई भी अदर लेटर आप सभी को ईमेल आईडी के थ्रू से ही सेंड किया जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने टाइम में प्रोवाइड करेंगे, उसी ईमेल आईडी में आप सभी को इंटरव्यू लेटर या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस साइंसेस लैंग्वेजेस एंड जर्नलिज्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेते हैं।
मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री में रिलेवेंट सब्जेक्ट में अगर 55% मार्क्स है, इसके अलावा यूजीसी नेट या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट अगर आपके पास में है, तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। उन सभी के पास अगर मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स भी है, तो वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया शॉर्ट लिस्टिंग का। ओके, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स क्राइटेरिया एंड प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है, आप सभी वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया गया है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट मैं आप सभी को दिखा देता हूँ आप सभी को अप्लाई कैसे करना है। ओके, आप सभी को बैक ऑप्शन पे चले आना है। आने के बाद में ये नंबर वन पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीचिंग पोस्ट, तो सिंपली आप सभी को इस क्लिक हियर का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, अगर आप सभी फ्रेश कैंडिडेट्स हो, इससे पहले अगर आप सभी ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस वेबसाइट में, तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, देन कॉन्फर्म ईमेल आईडी करना है, देन एक पासवर्ड क्रिएट करना है, देन कॉन्फर्म पासवर्ड करना है। ओके, देन यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, देन यहाँ पे ये कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओके, करने के बाद में सिंपली इस रजिस्टर का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद में आप सभी को सिंपली लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड एंड दिस ये जो कोड है, ये कोड यहाँ पे डालने के बाद में सिंपली लॉग इन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ओके, अगर आप सभी ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप सभी को इस गिवन ईमेल आईडी पे, यहाँ पे गिवन ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है। ओके, देने के बाद में ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। करने के बाद में सिंपली लॉग इन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना है। ओके, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ओके, तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर वीडियोस अगर पाना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियोस अगर अपलोड करूँ, तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो फिर चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।